हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटेशन में। दोस्तों आज है 11 अगस्त। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो की डिटेल्स के साथ पीडीएफ फाइल दोस्तों मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के साथ साथ क्विज भी सॉल्व कर सकते हो। उसमें भी एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से रिविजन कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आजादी के ऑफर शुरू हो चुके हैं, पूरी वीडियो एंड तक देखिए इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स जानने के लिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर किसे चुना गया था? तो दोस्तों मिराई टोवा को चुना गया था। टोक्यो ओलंपिक में किस देश ने सबसे ज्यादा गोल्ड जीता? तो अमेरिका दोस्तों 39 गोल्ड के साथ रहा था टॉप पर। चौरी चौरा कांड का संबंध गोरखपुर उत्तर प्रदेश से है। हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जलान ने द इंडिया स्टोरी नाम की पुस्तक लिखी हुई है। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में कई स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया है। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? दोस्तों 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है 10 अगस्त को। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए, विश्व जैव ईंधन दिवस दोस्तों यानी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है जिससे जो जीवाश्म ईंधन जो होता है पारंपरिक जो चलता आ रहा है उसके विकल्प के रूप में कोई और जो ईंधन है उसको ढूंढा जाए, गैर जीवाश्म ईंधन ढूंढा जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हाइड्रोजन को ले लो, हाइड्रोजन को इसे हम लोग क्या फ्यूचर का ईंधन कहते हैं ना, फ्यूचर का फ्यूल कहते हैं। जैसे अभी सोलर एनर्जी को ले लो, सोलर एनर्जी बहुत तेजी से पॉपुलर हो रही है। जो वहाँ पर ईंधन यूज हो रहे हैं वहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनिक का यूज ज़्यादा किया जा रहा है, जैसे ई रिक्शा, ई कार, ई व्हीकल्स, ठीक है। तो जिससे ये पारंपरिक जो जीवाश्म ईंधन है इसकी खपत को कम से कम किया जाए। ओके, भारत में पहली बार कब मनाया गया? 2015 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा मनाया गया। अच्छा, अब अगला दिवस इंपॉर्टेंट देखते हैं। 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लॉयन डे, इसको भी आपको याद रखना है। ये 2013 से मनाया जाता है, शेर जो होते हैं, लायंस जो होते हैं, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और उनके संरक्षण के लिए। अच्छा, वर्ल्ड लायन डे अलग होता है दोस्तों, वर्ल्ड टाइगर्स डे अलग होता है। टाइगर्स डे यानी बाघ दिवस, वो दोस्तों अभी मनाया गया था 29 जुलाई को। तो ये याद रखना है आपको, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस यानी वर्ल्ड टाइगर्स डे और वर्ल्ड लायन डे यानी विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। दोनों अलग अलग हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अभी कल जो मैंने लाइव क्लास ली हुई थी शाम को 7 PM पर, जैसे कि आपको पता है रोज डेली अब इवनिंग में 7 बजे दोस्तों एक क्लास लाइव होती है। कल की वीडियो दिवस थीम पर ही थी जिसमें हम लोगों ने जनवरी से लेकर के मई 2021 तक के महत्वपूर्ण दिवस और उनसे रिलेटेड जानकारियां कवर की थी। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जाइए वीडियो देखिए। अगला, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 कहां आयोजित किए जाएंगे? तो ये दोस्तों रशिया में आयोजित किए जाएंगे। इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल, जैसे वो दोस्तों ओलंपिक गेम्स होता है वैसे ही ये सैन्य खेल होता है, इसी वजह से इसे वार ओलंपिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार ओलंपिक या युद्ध ओलंपिक भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल, इसमें दुनिया भर के देशों की सेनाएं भाग लेती हैं, ठीक है। सेना के जो जवान होते हैं उनके बीच में गेम्स होते हैं। ये इस बार का 7वां संस्करण है, 2015 से ये शुरू हुआ है, रशिया द्वारा आयोजित कराया जाता है। इस बार ये 22 अगस्त से शुरू होकर के 4 सितंबर 2021 तक चलेगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल कहां पर आयोजित होंगे? रशिया में आयोजित होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे देखिए युद्ध ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय सेना की तरफ से 101 सदस्य यहां पर जा रहे हैं हिस्सा लेने। अब रशिया में आयोजित होगा, रशिया देखिए मैप में यहां पर है, रशिया एशिया में टॉप पर है दोस्तों और यूरोप में भी इसका कुछ पार्ट पड़ता है, इस वजह से इसे कहते हैं हम लोग यूरोशिया महाद्वीप में, यूरेशिया महाद्वीप में है ये, ठीक है। चलिए, मॉस्को यहाँ की राजधानी है जहां पर 2018 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। मिखाइल वी मिसुस्तिन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। रूबल यहाँ की करेंसी है, ड्यूमा यहाँ की संसद है और दुनिया के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है रशिया। रशिया ने दोस्तों अभी हाल ही में S-500 मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। S-400 मिसाइल की डील उसने इंडिया से की हुई है, ठीक है। इंडिया S-400 मिसाइल ले रहा है रशिया से। रशिया ने दोस्तों अभी अपना एक फाइटर प्लेन लॉन्च किया है चेकमेट,
चेकमेट का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों रसिया और इंडिया के बीच में इंद्र नाम का अभ्यास चल रहा है, इंद्र, ठीक है, इंद्र 2021 चल रहा है अभ्यास, ये भारत और रसिया के बीच में हो रहा है, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक ये चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों रसिया में एक एयर शो आयोजित कराया गया था, MAKS नाम का एक एयर शो आयोजित कराया गया था रसिया के मॉस्को में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, MAKS 2021 एयर शो, इतना जानकारी आपको रसिया से होनी चाहिए। अगला देख लेते हैं, यूएनएससी डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने, तो वो बन गए दोस्तों नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की डिबेट में, ओपन डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यूएनएससी की ओपन डिबेट हुई, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अध्यक्षता की है। इंडिया और फ्रांस दोस्तों ये अगस्त 2021 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण किए हुए हैं, तो अगस्त के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट, ये दोनों हैं अध्यक्ष, ठीक है। इस बार की जो डिबेट थी, ओपन डिबेट थी, इसमें थीम क्या रखी गई थी, एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटीज ए केस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यहां पर थीम लिखी हुई है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1945 को हुई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और सदस्य हैं 15। अब इन 15 में दोस्तों 5 तो होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। 5 जो परमानेंट मेंबर हैं इनका नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनको वीटो पावर प्राप्त है, जैसे चाइना हुआ, फ्रांस हुआ, रसिया हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हुआ। ये 5 दोस्तों ये स्थायी सदस्य हैं इसके, यानी परमानेंट मेंबर हैं। और अस्थायी सदस्यों में दोस्तों इस बार इंडिया भी है, ठीक है, और इंडिया सहित 10 देश हैं। अच्छा, अब इन 10 देशों में दोस्तों 5-5 जो हैं वो प्रत्येक दूसरे वर्ष चेंज किए जाते हैं, यानी 2-2 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं। तो 5 जैसे इस बार नियुक्त हुए तो 5 गए, 5 ने अपना 5 का कार्यकाल पूरा हुआ, फिर एक वर्ष के बाद अगली बार इन 5ों का, यानी कि जैसे इंडिया समेत और 5ों का कार्यकाल पूरा होगा और वहां पर 5 नए आएंगे, फिर अगली बार ये जो दूसरे वाले 5 हैं इनका कार्यकाल पूरा होगा। तो इस प्रकार से रोटेशन वाइज ये चलता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया, तो रेखा शर्मा जी का कार्यकाल दोस्तों 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की ये अध्यक्ष हैं, इनका कार्यकाल अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, 7 अगस्त 2021 से ये 2024 तक होंगी या फिर अगले आगे आदेश तक होंगी। अगर कैबिनेट की सिलेक्शन कमेटी का आदेश आता है तो इनकी नियुक्ति चेंज भी की जा सकती है। अच्छा, अगर ये 65 वर्ष की उम्र भी कंप्लीट कर लेती हैं तब भी इनकी नियुक्ति चेंज हो सकती है या कहें कि ये कार्यकाल घट सकता है, लेकिन फिलहाल तो अभी ये 57 ईयर की हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दोस्तों 1944 में हुई थी, हेडक्वार्टर्ड है ये नई दिल्ली में और अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईटीबीपी ने पहली बार युद्ध में अपनी किस पहली महिला अधिकारी की नियुक्ति की, तो अभी हाल ही में आईटीबीपी ने दोस्तों प्रकृति और दीक्षा, इन 2 महिला अधिकारियों की, विमेन ऑफिसर्स की नियुक्ति की है युद्ध क्षेत्र में। उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आईटीबीपी ने अभी पहली बार दोस्तों युद्ध क्षेत्र में अपनी विमेन्स ऑफिसर्स को उतारा है। अभी तक क्या होता था, आईटीबीपी में भी विमेन्स जो ऑफिसर्स होती थी वो या तो मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह में, मेडिकल ब्रांचेस में काम किया करती थी या फिर अगर कोई ऑफिशियल वर्क हुआ करता था तो वहां पर काम किया करती थी। लेकिन अब पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि ये 2 महिला जो अधिकारी हैं, विमेन्स ऑफिसर्स हैं, इन दोनों को इंडिया चाइना LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर युद्ध क्षेत्र में उतारा गया है। प्रकृति और दीक्षा, ये 2 नाम हैं, आपको याद रखना है। आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ये दोस्तों CAPF के अंतर्गत आता है। CAPF के अंतर्गत दोस्तों 7 प्रकार की फोर्सेज आती हैं। ये आपको इवनिंग में जो लाइव क्लास होती है उसमें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, 7 प्रकार की फोर्सेज को आप लोग को याद रखना है। ये 7 प्रकार की फोर्सेज जो होती है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। बाकी जो सेना होती है जैसे भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, भारतीय वायु सेना, ये आती है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, पूछ लिया जाता है। अगर अगर डिटेल में जाकर के, डीपली जाकर के पूछेगा तो यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं।
सीएपीएफ में 7 प्रकार के फोर्सेस दोस्तों अगर बात करें तो सीआरपीएफ होता है, बीएसएफ होता है, इसके अलावा आईटीबीपी होता है, असम राइफल्स होता है, सीआईएसएफ होता है, इसके अलावा होता है एसएसबी और होता है एक एनएसजी कमांडो। ठीक है, तो इतने जो होते हैं ये सीएपीएफ के अंतर्गत आते हैं। उसी में से एक है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, हेडक्वार्टर्ड है नई दिल्ली में और महानिदेशक हैं एसएस देसवाल। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक लिखी। तो अभी हाल ही में द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों अनुराधा राय ने। अनुराधा राय एक जानी मानी ये उपन्यासकार हैं, बहुत ही फेमस उपन्यास लिखा करती हैं। द अर्थ स्पिनर नाम की इनकी नई बुक आई हुई है। इन्होंने दोस्तों अभी और भी जो पुस्तकें लिखी हुई हैं उनमें से हैं एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉगिंग और द फोल्डेड अर्थ। ये दोनों पुस्तक भी इन्हीं की है, अनुराधा राय की। क्लियर। चलिए, पुस्तकों लेखकों पर भी मैंने आपको रिवीजन क्लास दे दी हुई है। डेली इवनिंग में टॉपिक बाय टॉपिक करके आपका रिवीजन कराया जाता है और एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी वीडियो जो अभी तक आई हैं आप देख सकते हो। बहुत ही बेहतर तरीके से रिवीजन आपका हो जाएगा। डेली 7 PM पर लाइव टेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैसी फाइव के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए। तो अभी हाल ही में दोस्तों राजकुमार राय को, राजकुमार राय दोस्तों ये अभिनेता हैं, एक्टर हैं, इनको कैसीफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कैसीफाई क्या है? कैसीफाई दोस्तों एक री कॉमर्स मार्केट प्लेस है। री कॉमर्स क्या मतलब हुआ? री कॉमर्स का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो कोई ई कॉमर्स से आप लोग कोई सामान, कोई प्रोडक्ट दोबारा से एक्सचेंज करके ले सकते हो। जैसे जैसे आप यूज किए यूज्ड स्मार्टफोन हुआ या यूज्ड आपका फ्रिज, एसी, कूलर वगैरह कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हुआ, ये सब चीजें आप लोग दोबारा से बेच सकते हो कैसीफाई पर। ठीक है, इसके बदले में आपको मनी मिल जाएगी। तो इसके ये पहले एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए राजकुमार राय जी। राजकुमार राय दोस्तों ये सिस्का एलईडी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, टीच मिंट ऐप के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। अभी कल भी मैंने आपको एक ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बताया था, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को दोस्तों होमलेन का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आजादी के ऑफर शुरू हो चुके हैं, बहुत ही खास मौका है। आप लोग का एग्जाम 20 तारीख को लगा हुआ है, इस वजह से मैंने ये ऑफर पहले दिया है जिससे आपको समय मिल सके। जो बच्चे अभी तक कोर्सेज वगैरह, पेड बैचेज या प्रीमियम क्लासेस नहीं ले पाए हैं वो लोग अभी ले सकें इसे और अपनी तैयारी जारी कर सकें। जितनी जल्दी आप लोग इसको परचेज करोगे उतने ही पहले से आप लोग तैयारी शुरू कर दोगे, तो इसका फायदा उठाइए। इसमें दोस्तों हमारे जो भी कोर्सेज हैं उसमें बहुत ही बड़े लेवल पर डिस्काउंट दिया गया है, आप इन डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबका प्राइस लिखा हुआ है, सभी कोर्सेज का, मॉक टेस्ट का, हमारी जो भी ई बुक्स होंगी उस पर 50% तक का डिस्काउंट है। इसके अलावा दोस्तों जो भी कोर्सेज हैं उस पर बहुत ही भारी छूट दी गई है। MZT ऐप पर ये अवेलेबल है, आपको कूपन कोड यूज करना है जय हिंद। जय हिंद ध्यान से देख लीजिए, इसी कूपन कोड को यूज करना है। इसके बारे में और डिटेल जानकारी चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप पता कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कल मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उस वीडियो को देख लेना, आपको पूरा प्रोसेस भी मालूम चल जाएगा। MZT ऐप पर ये अवेलेबल है, व्हाट्सएप का नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, आप इसका फायदा जरूर उठाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को अब से मनाया जाएगा राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, नेशनल जेवलिन थ्रो डे। अब देखिए 7 अगस्त को क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि 7 अगस्त 2021 को दोस्तों अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने इसी दिन जीता था गोल्ड मेडल, भारत के लिए एथलेटिक्स में पहला गोल्ड जीता नीरज चोपड़ा ने। हरियाणा के रहने वाले हैं और इन्होंने भारत के लिए पहला और इकलौता गोल्ड जीता हुआ है एथलेटिक्स में। अच्छा, अगर इंडिविजुअल कैटेगरी में आपसे पूछे तो आप बताएंगे इंडिविजुअल कैटेगरी में ये दूसरा गोल्ड था ओलंपिक में। ठीक है, इंडिविजुअल कैटेगरी में दूसरा गोल्ड था क्योंकि अभिनव बिंद्रा ने ऑलरेडी 2008 में जीता हुआ है बीजिंग ओलंपिक में, लेकिन वो शूटिंग में था। अगर एथलेटिक्स में पूछा जाए तो एथलेटिक्स में भारत का पहला और एकमात्र गोल्ड है नीरज चोपड़ा के नाम। ठीक है, एथलेटिक्स में इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक करके गोल्ड जीता था, इन पर मैंने वीडियो भी बना करके आपको दी हुई है। वैसे वीडियो तो आपको ओलंपिक पर दो मिल चुकी है, एक प्री ओलंपिक की, एक पोस्ट ओलंपिक की। दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, यहां से क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं और कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे ओलंपिक से, तो आप दोनों वीडियो को देख डालिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका भी। तो अब से हम सभी देशवासी मनाएंगे 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन थ्रो डे या राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसकी घोषणा किसने की है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने की है, यह भी पूछा जा सकता है, याद रखना है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा घोषणा किया गया है। अगला, सैन सेबेस्टियन फिल्म समारोह में किस अभिनेता को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में दोस्तों जॉनी डेप को सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है कि इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कहां पर? सैन सेबेस्टियन फिल्म समारोह में, फिल्म फेस्टिवल में। ये आयोजित होगा 22 सितंबर 2021 को। इसका है 69वां संस्करण इस बार। इस पुरस्कार को दोस्तों डोनोस्तिया पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, जो दिया जाएगा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार जॉनी डेप को। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये हैं जॉनी डेप। इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे, जैक स्पैरो नहीं, इनको कैप्टन जैक स्पैरो बोलो। अगला देखते हैं। हाल ही में 1971 के युद्ध नायक केपी गोपाल राव का निधन हो गया, इन्हें कौन सा वीरता पदक मिल चुका है? तो केपी गोपाल राव जी को दोस्तों महावीर चक्र और वीर सेवा पदक मिल चुका है। उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। इनका अभी हाल ही में हो गया है निधन। 1971 के ये युद्ध नायक थे। 1971 में दो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था, और इसी के बाद दोस्तों 93,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक घुटने के बल बैठे, आत्मसमर्पण किए, और बांग्लादेश नाम के एक नए देश का हुआ सृजन। तो उस युद्ध में दोस्तों केपी गोपाल राव जी का बहुत बड़ा योगदान था। केपी गोपाल राव जी का पूरा नाम है कमोडोर कासगोड पटना सेट्टी गोपाल राव। तो इनका बहुत बड़ा योगदान था और इनकी वीरता के लिए इनको महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। साथ ही साथ ये वीर सेवा पदक प्राप्तकर्ता भी थे। अच्छा, इन्होंने दोस्तों ऑपरेशन कैक्टस लिली में एक एक नेतृत्व किया था एक प्रकार से अपनी टुकड़ी का। तो याद रखना है आपको इस ऑपरेशन का नाम, ऑपरेशन कैक्टस लिली। अच्छा, ये ऑपरेशन कैक्टस लिली था। 1999 में दोस्तों हम लोगों ने जो कारगिल युद्ध जीता था वो ऑपरेशन विजय कहलाया था, ठीक है, ऑपरेशन विजय। 1998 में इससे पहले जब हमने दोस्तों पोखरण परीक्षण किया था तो ऑपरेशन शक्ति कहलाया था, ऑपरेशन शक्ति उसका नाम रखा गया था। इसके पहले जो हमने 1974 में किया था परमाणु परीक्षण, वो स्माइलिंग बुद्धा था, स्माइलिंग बुद्धा था, इसको याद रखना है। अच्छा, 1984 में 1984 में दोस्तों जो हम लोगों ने ऑपरेशन किया था एक भारतीय सेना ने 1984 में जो हुआ था गोल्डन टेंपल में, वो ऑपरेशन ब्लू स्टार था। क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार था। ये सभी ऑपरेशन का नाम भी आपको याद रखना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? बिल्कुल। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, आजादी के ऑफर्स का फायदा उठाना मत भूलिएगा, बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके लिए। और एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराना चाहूंगा, अगर आप आज से कोर्सेज या वीडियो कोर्सेज जो भी चीजें लेते हो, मॉक टेस्ट लेते हो, तो आज से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। कल से लेते हो तो कल से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी, परसों से लोगे तो परसों से आपकी स्टार्ट होगी, बाकी फैसला आपका है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट किसके नाम है? अगला, काकोरी ट्रेन एक्शन घटना कब हुई थी? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? वर्तमान में भारत का रक्षा सचिव कौन है, भारत के रक्षा सचिव कौन है, भारत के कैबिनेट सचिव कौन है, भारत के विदेश सचिव कौन है, ये सब आप लोग बता दीजिए। चलिए बस अब वीडियो में रखते हैं इतना ही। वीडियो की क्विज जाकर जरूर सॉल्व करिएगा एमजीटी ऐप पर, और वहीं पर आपको डिटेल वाली पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, वन लाइनर के रूप में अगर आप चाहते हो तो 10 बजे दोस्तों डेली तैयार रहा करो टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाइए एमजीटी एजुकेशन सर्च करके, वहां पर वन लाइनर के रूप में आप एक मिनट में ही ये 10 के 10 क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हो क्विकली। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे ज्वाइन हो जाइए, बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, वहां पर भी बहुत सारी पीडीएफ भेजी गई हैं, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। चलिए बस फिलहाल लगते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।